आईटीएम यूनिवर्सिटी हालांकि इतनी ज्यादा फेमस एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच में नहीं हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा नाम हो, तो पीवी रमना यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब है। तो वाइस चांसलर वो है डॉक्टर विकास सिंह। यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में वैसे तो टोटल 15 यूनिवर्सिटीज हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, बट इन 15 यूनिवर्सिटीज में से एक नाम जो सामने आता है आईटीएम यूनिवर्सिटी रायपुर का, उसके बारे में स्टूडेंट्स बड़े क्यूरियस हैं और चाहते हैं जानना यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ। यूनिवर्सिटी कब बनी, यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब कौन है, यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज करवाती है, मतलब किस तरह कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऐसा कोई कोर्स है जो यूनिवर्सिटी करवाती है जो रायपुर में छत्तीसगढ़ में और दूसरी यूनिवर्सिटियां नहीं करवाती, साथ में यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स है, यूनिवर्सिटी यूजीसी पर हम कैसे जाके चेक करें क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज यूजीसी द्वारा ही रेगुलेट की जाती हैं, ऐसे कई सारे सवाल आप लोगों के दिल में, जिनके सवाल आपको इजीली वेबसाइट को सर्च करने से या अदर स्टडीज से आपको नहीं मिल पाते हैं या दूसरी वीडियो से आपको नहीं मिल पाते हैं, पर अपने इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं पूरी तरह से कंप्लीट एक वीडियो बनाएं जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको दें, ताकि एडमिशन लेने से पहले आपको यूनिवर्सिटी के बारे में सभी जानकारियां हों, ताकि एडमिशन लेने के बाद कोई किस तरह का पछतावा आपको करना ना पड़े। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों आईटीएम यूनिवर्सिटी के बारे में, रायपुर में जो यूनिवर्सिटी स्थित है, छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, हालांकि हमने और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज पर अब तक वीडियोस बनाई है जो यूनिवर्सिटी चलती है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती है। आईटीएम यूनिवर्सिटी हालांकि इतनी ज्यादा फेमस एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बीच में नहीं हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा नाम हो, बट इतना ज्यादा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी डिमांड भी नहीं करते हैं ज्यादा, जो वीडियोस की डिमांड आती है, कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड हमारे पास आई थी तो हमें यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाना ही था, क्योंकि हम हमेशा आपकी डिमांड पर या जो भी आप सजेशन देते हैं हम उन पर ही वीडियो लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं ताकि आपके सब तरह के डाउट्स क्लियर हो सके। इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत आप अगर जानना चाहते हैं तो पीवी रमना यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब हैं। तो वाइस चांसलर वो है डॉक्टर विकास सिंह। यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस की अगर हम लोग बात करें तो यूनिवर्सिटी यूजीसी एआईयू बीसीआई ऐसे कई तरह के कोर्सेज और भी चलाती है, और जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है itmuniversity.org। दोस्तों, आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन एमबीए होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। हालांकि हमने यूनिवर्सिटी को मेल किया है, व्हाट्सएप भी किया है कि हमें 2022 या 2023 का प्रोस्पेक्टस मिल जाए, तो हम एक उस पर वीडियो लेकर आए कि यूनिवर्सिटी के पास 2022 में कौन कौन से कोर्सेज अभी थे और कौन कौन से अप्रूवल्स थे, और 23 में अभी यूनिवर्सिटी कौन कौन से अप्रूवल्स को और कौन कौन से कोर्सेज को अपग्रेड करने वाली है, ताकि उसकी भी पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचा सके। जैसे प्रोस्पेक्टस आएगा या जब भी हम यूनिवर्सिटी को पर्सनली विजिट करेंगे, उस विजिट के बाद और डिटेल में आपको बता पाएंगे आईटीएम यूनिवर्सिटी के बारे में। फिलहाल बात कर लेते हैं इनके कोर्सेज की, कोर्सेज यूनिवर्सिटी कौन कौन से चलाती है। यूनिवर्सिटी सभी तरह के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एकेडमिक जो चलते हैं सभी कोर्सेज, दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी यहाँ पर भी चलते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब बनती है सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और रिसर्च में एडमिशन्स लेने के लिए हमेशा से रेडी होती है।
जैसे यूजीसी की मान्यता मिल गई तो यूनिवर्सिटी इन सभी कोर्सेज में एडमिशन ले भी सकती है, उसे कोई किस तरह की बाउंडेशन नहीं होती है। अब इस यूनिवर्सिटी के पास जो कोर्सेज चलाने के लिए हैं, अगर आप देखोगे अंडर ग्रेजुएट में तो यूनिवर्सिटी ने कुछ कोर्सेज को मेंशन किया है, जैसे कि बीबीए आप कर सकते हो यहाँ से यूनिवर्सिटी के पास से। हालांकि बीबीए करने के लिए यूनिवर्सिटी को कोई अलग से किसी अप्रूवल की जरूरत है नहीं। बीटेक कर सकते हो, एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत होती है, पर इसके लिए भी यूनिवर्सिटीज को छूट है। सिर्फ कॉलेजेस को ही मैंडेटरीली जरूरत पड़ती है इस अप्रूवल को लेने की एआईसीटी को। बी ऑप्टोमेट्री बहुत कम यूनिवर्सिटीज में है, हालांकि काफी यूनिवर्सिटीज करवाती भी हैं। अच्छा एक कोर्स बोलूंगा मैं इसको, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएमएलटी डीएमएलटी कॉमन कोर्स होता है, साथ में है बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, ये भी एक जनरल एक नॉर्मल कोर्स है, साथ में बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंसेज, बीसीए, बीकॉम। दोस्तों यहाँ पर एक कोर्स आता है बीबीए एलएलबी और बीए एलएलबी। मैं बताऊं एलएलबी करने के लिए सिर्फ एक ही अप्रूवल चाहिए, बीसीआई का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आपके पास वो अप्रूवल है तो यूनिवर्सिटी उस कोर्स को चला सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले। साथ में बी आर्किटेक्चर भी है यूनिवर्सिटी के पास। ऐसे कुछ खास कोर्सेज दोस्तों यूनिवर्सिटी के पास है नहीं, जिन कोर्सेज के लिए मैं आपको बोलूं कि यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी या फिर यूनिवर्सिटी के पास हर तरह के अप्रूवल से, ऐसे कुछ कोर्सेज मुझे देखने में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नजर आए नहीं। नॉर्मल से जो कोर्सेज हैं जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मतलब कि यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाती है, बीटेक करवाती है, एमटेक करवाती है, खास कोई ऐसे कुछ कोर्सेज नहीं है, सभी यूनिवर्सिटीज करवाती है। स्कूल ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट एंड रिसर्च, मतलब नॉर्मल कोर्सेज आप बीबीए एमबीए बीकॉम एमकॉम ये सब कोर्सेज कर सकते हो। स्कूल ऑफ लॉ एलएलबी, बीसीआई का अप्रूवल चाहिए जब जैसा मैंने आपको बताया। साथ में स्कूल ऑफ लाइफ एंड अलाइड साइंस, मतलब इसके जो कोर्सेज होते हैं नॉर्मली जैसे कि बी ऑप्टोमेट्री होता है, साथ में बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता है, बीएससी केमिस्ट्री होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, ये सब कोर्सेज आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीजीडीसीए, ये नॉर्मल कोर्सेज, जो कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं जिसके बारे में मैं आपको बोलूं कि है यूनिवर्सिटी चल रही है काफी टाइम से और यूनिवर्सिटी के पास अब बहुत सारे ऐसे ऐसे अप्रूवल्स आ गए हैं कि यूनिवर्सिटी में आपको बिल्कुल इसके अलावा कहीं जाना ही नहीं चाहिए। 2012 से यूनिवर्सिटी चल रही है दोस्तों, लगभग 11 साल यूनिवर्सिटी को हो चुके हैं, अभी तक नैक नहीं है, नैक की अपडेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कहीं पर है नहीं। हालांकि जितने भी यूनिवर्सिटी के पास नैक होता है वो फ्रंट पे ही डाल देते हैं कि नैक एक्रेडिटेशन है, नजर नहीं आया, हो सकता है इनके पास अप्रूवल हो पर यहाँ अपडेट नहीं है। क्यों अपडेट नहीं है वो तो अलग चीज़ है। साथ में हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी के पास एफिलिएशन कौन कौन से हैं, तो एफिलिएशन के लिए भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अलग से कोई ऐसा कोई टैब या कॉलम बना नहीं है जहाँ से मैं देख के बता सकूं कि यूनिवर्सिटी के पास ये सभी अप्रूवल्स हैं और आईटीएम यूनिवर्सिटी में इसलिए आपको एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री एलओआर ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पर आप अगर अप्रूवल की बात करें तो कुछ अप्रूवल जैसे यूनिवर्सिटी बोलती है यूजीसी, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन, मतलब यूनिवर्सिटी जब बनेगी तो स्टेट से तो अप्रूवल लेती है, वो यूनिवर्सिटी के पास है, बीसीआई का अप्रूवल है। COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है। साथ में ही छोटी मोटी चीजें जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज मेंबर है उसके, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ ऑप्टोमेट्री, इसका भी यूनिवर्सिटी ने अपना मेंबरशिप लिया हुआ है। खास दोस्तों कुछ अप्रूवल नहीं है जिसके लिए मैं बोलूँ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना ही चाहिए, पर हाँ मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी आप जाएं, विजिट करें, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर से मिलें, हॉस्टल देखें यूनिवर्सिटी का, जब तक पूरी तरह से ही आप संतुष्ट ना हो जाएं कि हाँ जो इसके आसपास की यूनिवर्सिटीज हैं उनसे ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी ऊपर है, तब तक आप एडमिशन ना लें। हो सकता है इसके आसपास ही आपको और अच्छी कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए जिसकी फीस कम हो,
कैंपस अच्छा हो, उसका हॉस्टल अच्छा हो, अच्छी एजुकेशन दी जा रही हो, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन नहीं क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए। जैसा मैं हर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ दोस्तों, जब भी यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तभी और डिटेल में आपको बता पाएंगे यूनिवर्सिटी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या चीज़ें जो अभी तक हमने यूनिवर्सिटी के बारे में आपको नहीं बताई। जब भी प्रॉस्पेक्टस यूनिवर्सिटी का आएगा तब भी आपको प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से एक वीडियो लेकर आएंगे और तब आपको बता पाएंगे कौन कौन से नए नए कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऐड कर रही है। बट फिलहाल जितने कोर्सेज मैंने आपको बताए, जो अप्रूवल्स बताए हैं, जो जो चीजें अपडेट हैं वेबसाइट पर, उसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया। आपको अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं दोस्तों वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।